सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे थे शिकार, बुलबुल का शिकार करने। तो मैंने सोचा यार आप लोग के लिए एक व्लॉग बना दूँ, छोटा सा बट व्लॉग होगा, क्योंकि यार वैसे भी कोई काम नहीं था तो शिकार करने जा रहे थे दोस्तों के साथ और भाई के साथ, तो व्लॉग बनाने का दिल करा। बुलबुल का शिकार आप लोगों को पता होगा किस तरह से होता है, जिसको नहीं पता उनको आज पता चल जाएगा बुलबुल कैसे कहते हैं और उसका शिकार किस तरह से होता है। तो चलो पहले तो चलते हैं बुलबुल, देखते हैं कि जिंदा भी है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास है बुलबुल, यहाँ पे इनको निकालते हैं, देखते हैं जिंदा है या मुर्दा, दोनों जिंदा है। चलो 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 चलो, एक तो गई डंडे के साथ ही बाहर चली गई। देख लो गाइस, ये है येलो बुलबुल, देख लो नीचे से सारी येलो होती है, इतनी प्यारी है। और यह है बड़ी तेज और शरारती रेड, किधर गई किधर गई किधर गई, आ गई हाथ में, ये रही, ये होती है रेड बुलबुल। देख लो नीचे से सारी रेड होती है। इनका शिकार करेंगे हम आज, जाएंगे पहाड़ी इलाकों में, मतलब ये इधर नहीं होते हैं ना, ये तकरीबन 2 मंथ के लिए आते हैं, ये सारी बुलबुलें 2 मंथ के लिए आते हैं, सर्दियों का मौसम होता है जब, तो ये आते हैं, इनका शिकार तब होता है। वैसे आमतौर पर कोई इनको रखता नहीं है, सिर्फ ये सर्दियों में पाए जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये ज़िंदा रह पाते हैं, गर्मियों में ये मर जाते हैं। तो ये है हमारे पास रेड और येलो बुलबुल, देख लो येलो कितनी प्यारी है, येलो का डिमांड ज़्यादा होता है क्योंकि ये थोड़ी महंगी होती है और ये बहुत कम पाई जाती है, और रेड का डिमांड थोड़ा कम होता है, बट हमारे पास दोनों है और आज हम शिकार करने जाएंगे। तो चलो यार नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलवाते हैं भाई वगैरह के साथ और चलते हैं फिर शिकार करने। ये येलो वाली और ये है रेड वाली, और ये है हमारी केटो लड़का है, ये एलेक्स नाम है इसका, बड़ा शरारती है। सब कुछ तो दिखा दिया गाइस आप लोगों को, बुलबुल वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन मेन जो चीज़ है वो आप लोगों को नहीं दिखाई यार। मेन चीज़ इसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, मेन चीज़ जिसे पकड़ते हैं हम बुलबुल, पकड़ते किससे हैं वो तो ट्रैप बना हुआ है, लेकिन ट्रैप में लगाते क्या हैं ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो लड़को, ये देखो जिंदा है और बिल्कुल डंग लगाने वाली है, इनसे हम पकड़ते हैं लड़को, इनसे देख लो मुचैया, आप लोग इनको क्या कहते हैं, मुझे ही कहते हैं, ये उड़ने की ट्राई कर रही है, ये लगाते हैं हम ट्रैप में, अभी ट्रैप में लगा के भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगाते हैं और फिर क्या होता है और किस तरह से पकड़ी जाती है, ठीक है? तो वेट करो सब कुछ बताएंगे। सो गाइस हम रवाना हो चुके हैं, यहाँ पे अभी बैठक जा रहा हूँ मैं, उसके बाद इंशाल्लाह धीरे धीरे रवाना होंगे। तो बुलबुल वगैरह सब कुछ मैंने ले लिए और भाई सिर्फ बैठक में है, उधर हम ट्रैप वगैरह तैयार करते हैं और फिर रवाना होते हैं। और बंदे भी थे लेकिन उनका कुछ काम आ गया, इस वजह से वो नहीं जा रहे, सिर्फ हम दो ही शायद जा रहे हैं। आज वैसे भी फ्री फायर का अपडेट आ रहा है तो सोचा यार छोड़ो आज गेम वैसे भी नहीं है और चलते हैं शिकार करने। शिकार में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, तो आगे आप लोगों को सब कुछ ए टू जेड बताता हूँ। सो गाइस ट्रैप देख सकते हो, ये है कुछ ट्रैप, इसको किस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे यहाँ पे, ये मिट्टी इसके ऊपर सब डालेंगे और ऐसे होगा तो ये ऐसे ठप हो जाएगा बुलबुल के ऊपर, ऐसे जैसे ही होगा बुलबुल इसके अंदर फंस जाएगी। ये ट्रैप अभी एक तैयार किया है मेरे, दूसरा तैयार किया है या नहीं, दूसरा भी कर लो, दूसरा किया है। अभी आप लोगों को बैठक का भी शेयर करा देता हूँ, ये हमारी प्यारी सी
एल्सा, एल्सा क्या हाल है? ना कर, ये एल्सा और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये देख लो, सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें आप देख लो। ये सारा भरा हुआ है, मुर्गियाँ वगैरह भी है, कुत्ती भी है और सब कुछ चीज़ें हैं। तो ट्रैप वगैरह ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, अभी हम जाएंगे बाइक के ऊपर धीरे धीरे करके। तो चलो आगे मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हम जंगल में आ गए हैं, इसे कहते हैं जंगल। सारी बुलबुलें यहाँ पे होती है। अभी ट्रैप लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे शिकार होता है हमारा या नहीं। जगह तो अच्छी है, ये बुलबुलें भी हैं, आवाज़ें बहुत आ रही है। सो गाइस यहाँ पे अभी बुलबुल लेने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई लगा रहा है ट्रैप, मैं अभी नहीं लगा रहा, भाई सिर्फ लगा रहा है ट्रैप। बुलबुलें बहुत है, आवाज़ बहुत आ रही है, सामने देख सकते हो आप लोग, दूर दराज बैठे हुए हैं। अभी ट्रैप किस तरह से लगाएगा ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे जगह बनाया जा रहा है ट्रैप लगाने के लिए। ये रखा ट्रैप, ये ऊपर मिट्टी डाली जाएगी। अब ये बिल्कुल कवर करना पड़ता है, सारा ऊपर से कवर हो गया, अब नीचे से कवर करेंगे। सिर्फ इसमें जो कीड़ा है वो नजर आना चाहिए, देख सकते हो ये सिर्फ कीड़ा नजर आएगा, क्योंकि तभी डरेगी नहीं। ये मिट्टी उठा लो, बुलबुल ले लो। अभी बुलबुल इसके पास, हम जो लेके आए हैं वो इसके पास लगाएंगे बुलबुल, ताकि और बुलबुल इसको देख के इसके पास आए। जैसे ही वो इसके पास आएंगे तो ट्रैप में से कीड़ा खाने के लिए, फिर देखेंगे कीड़ा है ट्रैप में, कीड़ा खाएंगे तो उसके अंदर फंस जाएंगे। अब देखते हैं शुरुआत होती है यहाँ से कि नहीं, नहीं तो आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो अभी ट्रैप के पास बुलबुल लगा दी हमने, भाई के पास बुलबुलें जमा हो गई है, बुलबुल को मार रहे हैं, देख लो पकड़ी गई, भाई ने पकड़ ली, भाई ने पकड़ ली। नाइस नाइस नाइस, कौन सी है जड़ा दा, ये लो पकड़ ली भाई ने, देख लो नाइस, बहुत बढ़िया प्यारी, वो भी वीडियो बना रहा है मेरे लिए। ये लो पकड़ी गई है उसकी एक, और मैं अभी अंडे बेच रहा हूँ, मैंने इधर लगाई है।
तो उस टाइम मैं ऊपर साइड बैठा हुआ था, जो फर्स्ट क्लिप आप लोगों ने देखा वो मैं बना रहा था, और इधर से मेरा भाई बना रहा था, पोर्ट्रेट मोड में बना रहा था। सामने आप लोग देख सकते हो बार भाई कोई परिंदा उड़ता हुआ नज़र आएगा आप लोगों को इस वीडियो में। वो बुलबुल के पास और बुलबुलें जमा हो गई थी, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो ऐसा सीन हुआ था, भाई ने इधर से बनाई थी, मैं ऊपर से वीडियो बना रहा था। जो फर्स्ट क्लिप आप लोगों ने इससे पहले वाला क्लिप देखा, तो यहाँ देख लो बुलबुल को मार रहे थे। जैसे ही बुलबुल को मार रहे थे, उनका नज़र पड़ा कीड़े पे। कीड़े पे जैसे ही उनका नज़र पड़ा और धीरे धीरे आगे ट्रैप की जाने बढ़ी बुलबुल, तो जैसे ही बड़ी बुलबुल ट्रैप में फंस जाएगी। देखना अभी ट्रैप में फंसेगी और मेरा भाई भागेगा। यहाँ पे देख लो भाई ने भागना स्टार्ट कर दिया, भाग भाग के गया ट्रैप में फंसी हुई देखो। और यहाँ पे भाई ने निकाल दी बुलबुल, देख सकते हो आप लोग येलो वाली पकड़ी हुई थी, तो यहाँ पे भाई अब निकालेगा। सो ये क्लिप भाई के साइड से था, इसलिए ये डालना पड़ा, मैंने ऊपर से ये क्लिप बनाया था। सो गाइस यहाँ पे मैं तनो तनहा अकेला बैठा हूँ, भाई ने उस तरफ ट्रैप लगाए हुआ है, मैंने इस तरफ लगाए हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ही अभी तक पकड़ी गई है, वो भी भाई ने पकड़ी है, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए हम, और मतलब थोड़ा टाइम के लिए आए हैं, सिर्फ इंजॉय के लिए आज। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक कितने पकड़ी जाती है। एक भी बहुत है, क्योंकि येलो वाली पकड़ी गई है एक, और रेड वाली का इतना डिमांड नहीं होता, और मेरे पास है भी रेड वाली, तो रेड वाली पे जो आती है तो रेड वाली आती है, फिर येलो वाली कम आती है इस वजह से। और भाई के पास येलो वाली है तो उसने एक पकड़ ली। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में अपन बैठा हुआ है, इतनी अच्छी व्यू आ रही है, देख लो कितना अच्छा व्यू है, पहाड़ी पहाड़ है हर तरफ। जगह चेंज कर ली, वहाँ पे काम वाले आ गए थे तो फिर काम वालों से डरती है। सामने देख सकते हो जो परिंदा फड़फड़ा रहा है, वो मेरी वाली बुलबुल है। देख लो पहाड़ी पहाड़ यार किधर, ये मेरे पास बैठी हुई है बुलबुल, देख लो पेड़ पे, बट आ नहीं रही। बच्ची ताजी बच्ची, मच्छी ले लो मच्छी, मच्छी ले लो बुलबुल, ले लो बुलबुल मच्छी, ओए मछलियाँ। सो गाइस दो घंटे शिकार करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बुलबुल हमारे हाथ आई, लेकिन बहुत मज़ा आया शिकार करके, दो घंटे हमने शिकार किया। अब हम जा रहे हैं घर वापस, देख सकते हो इतना अच्छा सुनसान इलाका है, वहाँ पर कुत्ते भी भौंक रहे, तो एकदम से डर लग रहा है किधर काट ही ना ले। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस, शिकार कर लिया, एक बुलबुल हमने पकड़ ली, ये रेड वाली मेरी और वो येलो वाली बंद कर दिया हमने थैले में। तो इतना ही था आज के व्लॉग में, होप करता हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।